देवघर की बेटी खुशी मुंद्रा ने परिवार और देवघर के लोगों को एक बड़ी खुशी दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में सीबीएसई, आईसीएसई और ओलिपियाड के अव्वल आए विद्यार्थियों को सम्मानित किया है। इसमें 2022 की 12वीं की परीक्षा में देवघर संत फ्रांसिस स्कूल की छात्रा खुशी स्टेट की सेकेंड टॉपर रही है। खुशी को 2,00,000 का चेक और लैपटॉप, मोबाइल और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया था। खुशी के देवघर लौटने पर ही घर में और इलाके में खुशी का माहौल है। खुशी ने युवाओं से अपील की है कि कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। तो वहीं खुशी के माता पिता भी इससे काफी खुश हैं और पिता का कहना है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। बच्चों को प्रोत्साहन किया गया है तो इसको देखते हुए खुशी ने भी कुछ सीखा है कि आगे अगर इसी तरीका से मेहनत की जाएगी तो आज पूरे भारतवर्ष में इसका नाम हो सकता है। देखो, आप अपने स्कूल तक ही जान पाते हैं, लोग अपने शहर तक जान पाते हैं, लेकिन ये उनको आप अपने स्टेट लेवल पे जान रहे हैं, इनफैक्ट इंडिया लेवल पे जान रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल के जो सीएम हैं उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया है। बहुत ये एक प्राइज मनी नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया है उनको। मुझे 12th में 99.25% लाने के लिए और स्टेट सेकेंड टॉपर होने के लिए प्राइज मिला है। एंड आई स्टडीड 12th फ्रॉम सेंट फ्रांसिस स्कूल देवघर। तो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं कि बच्चे मेहनत करते आ रहे हैं और सीएम से पुरस्कार लेके मुझे काफ़ी गर्व महसूस हुआ है एंड काफ़ी अच्छा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।